Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको comparison के sentences अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे. अभी तक मैंने तीन वीडियो डाल दिया है comparison वाला. ये आज का हमारा चौथा वीडियो होगा comparison का, उसके बाद एक और वीडियो होगा इसका, उसके बाद finish. ठीक है friends? तो comparison में जैसा कि मैंने आपको basic में पढ़ाया था degree में, सिर्फ उतना ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है. इसलिए मैंने इसके लिए अभी एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स का कोर्स चल रहा है अभी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से डीपली आप समझ सको कि कंपैरिजन में और किस किस तरह के सेंटेंसेज आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, I have already written the sentences which I'll teach you. Okay? Comparison का ही है, कुछ और नहीं है. तो उषा से अधिक अच्छी औरत, उषा से अधिक अच्छी कोई औरत नहीं हो सकती. हम बोलते हैं ना कि यार तुमसे सुंदर कोई और नहीं हो सकता, या तुमसे शक्तिशाली कोई और नहीं हो सकता, या उससे लंबा इस गांव में कोई और नहीं हो सकता, इस बुक से अच्छी बुक और कोई दूसरी नहीं हो सकती. इस तरह की हम बातें बोलते हैं, काफ़ी यूज होता है. बट हम अक्सर इंग्लिश नहीं जानते हैं, या जिस तरीके से हम जानते हैं उस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, बोल देते हैं दिस इज द बेस्ट बुक, यू आर द, ऐसे इसको हम जैसे बोलेंगे उषा से अधिक अच्छी कोई औरत नहीं हो सकती. हम बोलते हैं उषा इज द बेस्ट वूमन, सिंपल ऐसा बोल देते हैं. बट अगर हम इस अर्थ में, इस भाव में हम बोलना चाहें तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे उषा से अधिक अच्छी कोई और औरत नहीं हो सकती है. अ वुमन कांट बी बेटर देन उषा. ठीक है फ्रेंड्स, कितना इजी है ना. सेंटेंस हिंदी में देखने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन इंग्लिश में कितना छोटा सा है कि अ वुमन कांट बी बेटर देन उषा, सिंपल. इस बुक से अच्छी अच्छी इस बुक से अधिक अच्छी और कोई दूसरी नहीं हो सकती. तो अ बुक कांट बी मोर यूजफुल देन दिस बुक. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर मोर यूजफुल होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई सारे वर्ड्स होते हैं जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, बड़े एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव वो बड़े बड़े जो होते हैं, उसमें ईआर नहीं लगाते हम, बल्कि हम उसमें कंपैरेटिव उसका बनाने के लिए मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं. इसलिए यहां पर होगा अ बुक कांट बी मोर यूजफुल देन दिस बुक. ओके फ्रेंड्स, इसके टक्कर के लड़के बिरले ही होते हैं. तो द लाइक ऑफ दिस बॉय इज रेयर. ठीक है फ्रेंड्स, इसके टक्कर के लड़के बिरले ही होते हैं, मतलब कहने का मतलब यह होता है कि बहुत मुश्किल से ही इसकी टक्कर के लड़के मिलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अब बोलेंगे इस बुक के टक्कर का कोई और बिरला ही बुक होगा, मीन्स द लाइक ऑफ दिस बुक इज रेयर. इस घर के टक्कर बिरले ही होंगे या होते हैं. तो द लाइक ऑफ दिस हाउस इज रेयर, सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल है. अब आगे क्या है, वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो उनमें से एक अवश्य है. तो ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉय इफ नॉट ग्रेटेस्ट. ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो सबसे महान नहीं है तो सबसे महान में जो है, जितने भी हैं उनमें से एक तो जरूर है वो. तो ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट ग्रेटेस्ट. ओके, वह महिला सबसे धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही. बोलते हैं ना, वो सबसे ताकतवर नहीं है लेकिन उनमें से एक तो जरूर है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या होगा कि वह महिला सबसे धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक है ही, मतलब उनमें से एक जरूर है. तो दैट वुमन इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमन इफ नॉट रिचेस्ट. ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे क्या है, मैंने जितनी किताबें लिखी है
उनमें से सबसे अच्छी यह है। मैंने जितनी किताबें लिखी है उनमें से सबसे अच्छी यह है। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रिटन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर एवर का इस्तेमाल हम करेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रिटन। आगे है, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें से सबसे सुंदर यह है। दिस इज द बेस्ट सीन ही हैज एवर सीन। दिस इज द बेस्ट सीन ही हैज एवर सीन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से संबंधित जितने भी सेंटेंस आएंगे हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि मैंने जितनी भी चाय पी है उनमें से सबसे अच्छी यह है। तो दिस इज द बेस्ट टी आई हैव एवर ड्रंक। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अब तक जितना भी पार्क देखा उनमें से सबसे सुंदर ये पार्क है। तो दिस इज द बेस्ट पार्क या दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क आई हैव एवर सीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे। अब ये आगे क्या है, यह किताब सभी से कहीं अधिक अच्छी है। यह किताब सभी से कहीं अधिक अच्छी है। तो दिस बुक इज बाई फार द बेस्ट। इसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि दिस बुक इज बाई फार द बेस्ट। दूसरा तरीका, दिस बुक इज मच द बेस्ट। और तीसरा तरीका है कि दिस बुक इज द वेरी बेस्ट। सिंपल है फ्रेंड्स, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। जैसे हमने तय, उषा सभी से कहीं अधिक सुंदर है। उषा इज बाय फार मोस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल। दूसरा तरीका है, उषा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। और तीसरा तरीका है, उषा इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम जो भी सेंटेंस आएंगे से मिलते जुलते, जैसे ये दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस है, जिस सेंटेंस से भी जो भी सेंटेंस मिलता जुलता है, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया उससे अगर मिलता जुलता सेंटेंस आएगा तो वैसे ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं, शुरू से अंत तक देख रहे हैं, अगर आप सीखने